मौका मैसर हो गए हैं, किसी में वफा नहीं मिलेगी आपको। वफा की काबिल से अल्लाह उसकी नबी की दात है। तो आज से हम क्या करें, इंशाल्लाह अल्लाह हम तेरी मान के चलेंगे, नबी की मान के चलेंगे, और ऐसी जिंदगी गुजारेंगे अल्लाह ने देखो, ये देखो मेरा रुझान। आखिर में चार सवाल होंगे, उम्र कैसे गुजारें, स्पेशल सवाल है जवानी कैसे गुजारें। जवानी वो जवान जो अल्लाह के महबूब जवानी की अल्लाह की बात करता है, अल्लाह फरिश्तों के सामने फखर देखते हैं, देखो मेरा नौजवान है, इसके अंदर ख्वाहिशात हैं, मस्ती है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी रात मेरे लिए खड़ा है, मेरी मान के चलता है। आखिरी बात करें अल्लाह का सवाल निकला दिया, एक नौजवान जवानी में अल्लाह की बात करने वाला बड़ा मशहूर हो गया, कोई ग्यारह साल भी था, उसने कहा ये तो बड़ा ही मशहूर हो गया, बड़ा नेक आदमी। उसने उस जमाने की सबसे जो मशहूर ख्वाहिशा औरत थी, कितने पैसे दिए, कहा किसी तरीके से इसको तुम ख़राब कर दें, इबादत इसकी ख़राब कर दें। उसने कहा मेरा मसला ही कोई नहीं, उसने पैसे लिए बंद संभल के, इस तरह से जो जवान गुजरता था, अचानक रस्से के सामने आई, मैं काम हटाया, उसके सामने कहने लगी कि मुझे तो बड़ा पसंद है, मैं तुम चाहत हुई। नौजवान ने उसकी नज़र पड़ी उस पर, उसको देखा, देख कर फिर फौरन नीचे बैठ गया और कहा बेशक तो बड़ी हसीन है, तेरे हुसन में कोई कमी नहीं है, लेकिन क्या होगा तेरे उस हुसन का जब ये कब्र में पड़ा हुआ होगा, तेरी गालों में मिट्टी होगी, तेरी इन खूबसूरत आंखों में कीड़े चल रहे होंगे। तू अपनी आखिरत बर्बाद करती है, अपने आप को ठंडे की आस ले, मेरी भी आंख बर्बाद न कर। नौजवान था, साथ ही वो औरत बैठ गई जमीन पर बैठ गई, और उसने उसी मजलिस में तौबा की और अपने जमाने की एक मशहूर नेक औरत हो गई। मेरे से जवानी के अंदर जो है ना मज़ा इबादत का, हम तो बूढ़े हो गए ना, अब हमें एहसास आता है कि हमने तो कदर ही नहीं की, सारी बात इसे कदम का भी वक्त है इसे कदर कर ले, और अल्लाह को राजी कर लेगा दोस्त, खुद भी दीन पे आना है औरों को भी लाना प्यार मोहब्बत से, इसलिए नबी कोई आना नहीं है, लोगों को अल्लाह से पुराना हमारे जिम्मे है, खतब नबूवत का मतलब ये है नबी कोई नहीं, काले नबी चलेगा, नबी का काम चलेगा, नबी कोई नहीं होगा, इसके लिए अपना कार्य करें, औकात लिए, लोगों के पास जाएँ जिनको मसला नहीं हिम्मत या कोई तब्दीली की जमात में जाए, तबीयत जमात कोई फिक्र नहीं है, सारे चलते हैं, हम भी चलते हैं, हमें नहीं पता कि मैं बरेली में, मैं दोबंदी में, मुझे नहीं पता नाम भी आज तक पता चला, पहाड़ी में पढ़ते थे बाद में जाते थे, एक जगह पर हम गए थे कार के बैठ गया ये फलाना फलाना फलाना, ना कहीं हमें तो पता ही नहीं, ना हमें किसी ने सिखाया, हमें जितना सीखा है जो शख्स सामने आ रहा है ना ये हजूर का उम्मीदी है और मोहब्बत करने के काबिल है और ये मुसलमान है, बस इसके अलावा हमें किसी का नहीं पता। एक आदमी गिरा पड़ा था नशई नौजवान, नारी ने पखिए बैठी उसके, हमारे एक साथी था जमात में, उसने देखा ना उसको, उस तरस आया वो उसको वहाँ से बसर के लिया नहलाया, कपड़े शपड़े इतना उसको होश में आया, तो एक साथी कहने लगा अमीर साहब मैंने कुछ लाया हुआ है मुसीबत पार्टी साहब, तो उन्होंने आगे से कहा मैं भी एक दिन नारी में पड़ा था, कोई मुझे इसने उठा के लाया, मैं भी एक दिन नारी में पड़ा था और कोई मुझे उठा के लाया था। तो मेरे दोस्त हर एक से मोहब्बत करनी है, अल्लाह के लिए मोहब्बत करनी है, ट्रॉलेस इस्तेमाल करें अपने अंदर, छोटी मोटी बात को इग्नोर किया करें, गुस्सा नहीं करना, गुस्सा बिल्कुल नहीं करना, ट्रॉलेस अगर अनस मंजिल हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ फरमाते हैं मैं 12 बरस हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिदमत में रहा खादिम के तौर पर, आपने कभी भी एक बार भी मुझे नहीं डांटा, कैसी मोहब्बत करने वाला। हम छोटी छोटी बात में गुस्से में आ जाते हैं, ऐसी नहीं तैसी गाली दे दें, किसी मुसलमान को गाली देना काबे को गिराने से ज़्यादा बड़ा गुनाह है। इस जबान से खैर निकले, लोगों के लिए मोहब्बत निकले, कोई हमारे बुजुर्ग तकरीर के बाद शुरू करने के लिए वो हमें कहा करते थे कोई ने गाली तुम तो मिठाई की थाली, कोई बरसाए धूल तुम मारो फूल, कोई मारे दाग तुम करो छिपा, यही हमारा काम है। बातों से बात में टाइम ज़्यादा ले लिया, एक शख्स वैसे आपकी बात करने लगा, एक शख्स जा रहे थे कहीं रास्ते में, उन्होंने देखा कि रोने की आवाज़ आई, तो उसने मुतवज्जे होते देखा कि एक हफ्शी है, गुलाम है, बदसूरत, आधी रात का वक्त है, एक तरह गंदक पड़ी है, मच्छर की मिस रहा दो रहा साफ, तो कहने लगे तुम रोक नहीं रहे हो, उसने कह दी कि मैं बुखार है, मेरी तबीयत खराब है, मैं गुलाम हूँ, सारा दिन काम करता हूँ, रात को आराम के वक्त मेरा मालिक मुझे देख लेता है किसको किसको,
अगर मैं ना पीसूँ तो मुझे सुबह कोड़ों से बात है, मैं अपने मुकदर पर होगा। उन्हें एक शख्स गए गर्म दूध का काला लाए, स्कूल लाया पिला के इसका तुम सोचो से सुना दी सारे ताले पीस कर चले। अगले दिन आए फिर वो चक्की पीसा, फिर उससे सुनाया वो चक्की पीसी। तीसरे दिन पूछने लगा कि आप कौन है, मैं तो ब्राह्मण सारा ऐसे मेरे पूछ रहा आप कितने शकी। शख्स ने कहा कि मैं मोहम्मद हूँ। हम छोटी से बात पर भड़क जाते हैं यार, उन्होंने मैंने कह दिया मेरे घर नहीं आया, मैं उन्होंने घर के अपने चली था रोटी मैंने पूछी इसमें ये कोई बातें करने वाली छोटी मोटी। कोई रिश्तेदार हमारे से नाराज ना हो जो आपकी बात करने लगा। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, फरमाया ये निचोड़ है सारी बातों पर, मुझे मेरे रब ने हुक्म दिया, मुझे मेरे रब ने हुक्म दिया तो जो मुझे महरूम करे मैं उसको अदा करूँ, जो मुझे महरूम करे जो मुझ पर जुल्म करे मैं उसको माफ़ करूँ, मुझ पर जुल्म करे उसको माफ, और जो मुझसे कदर रहमी करे मैं उससे तलब कर तलब करूँ। कोई रिश्तेदार नाराज ना हो, कोई दोस्त नाराज ना हो, भले उसका कसूर हो, नहीं 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 मेरे मुसलमान है मैं इसे नाराज नहीं हो सकता, इसके दिल में कलमा है, मैं कलमे वाले से कैसे नाराज हो सकता हूँ, मेरे नदी को उम्मीद है, मेरे नदी से मोहब्बत करने वाले से कैसे नाराज हो सकता हूँ, किसी से लड़ना नहीं है झगड़ना नहीं, छोटी बात में गुनाह कर देते हैं। तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि अल्लाह फिर जो लोगों के लिए बजाय जलील होता है अल्लाह के लिए इज्जत लोगों के आगे अल्लाह उसको ऐसी इज्जत आप निभाता है कि आज भी पहुँच ही सकता। अल्लाह ताला हम सब को अमल की तौफीक नसीब फरमाए, और इंशाल्लाह आज से सारे जुमे तौबा करके उठेंगे। इससे सच्चे दिल से तौबा करने में दोस्तों वो आज ऐसे हैं जैसे आज मांगे। अल्लाह पाक हम सब को अमल की तौफीक नसीब फरमाए।